हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ड्राई फ्रूट मलाई कुल्फी, जिसको हम अपने घर के फ्रीज में ही जमाएंगे। और इसे बनाना बहुत ही इजी है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में ये बनकर रेडी हो जाती है। तो रेसिपी बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे लेटेस्ट रेसिपी आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ड्राई फ्रूट मलाई कुल्फी को बनाने के लिए हमें लेने होंगे 1 लीटर दूध, 5 टेबल स्पून चीनी, पिस्ता, पिस्ता को मैंने बारीक ब्लाइंड कर लिया है, काजू इसे भी मैंने ब्लेंड कर लिया है, 1/4 टेबल स्पून इलायची पाउडर, और ये पिस्ता गार्निशिंग के लिए बारीक कटे हुए। अब हम सबसे पहले गैस ऑन करके दूध गर्म कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 1 लीटर दूध लिया है, ये नॉर्मल दूध है, तो अब इसे बॉईल होने देते हैं। ये देखिए, अब दूध में उबाल आने लगा है, तो हम इसे थोड़ा गाढ़ा होने तक चलाते रहेंगे, नहीं तो ये तले में चिपक जाएगी। हमें इसे लो फ्लेम पे दूध को आधे होने तक इसी तरह से कंटिन्यू चलाते रहना है। ये देखिए, अब इसमें मलाई जमना स्टार्ट हो गई है और दूध पहले से कम हो गया है। अभी हमें इसे और गाढ़ा करना है, थोड़ा सा और बॉईल होने देंगे। अब ये देखिए, अब ये दूध आधा हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो अब हम इसमें 5 टेबल स्पून चीनी ऐड करेंगे। ये आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी मीठी खानी है कुल्फी, आप अपने अनुसार चीनी ले लीजिए। चीनी डालने के बाद हम दूध को 2-3 मिनट तक और बॉईल होने देंगे, ताकि चीनी अच्छे से दूध में मिल जाए। अब 5 मिनट हो गई है, तो अब हम ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। सबसे पहले पिस्ता ऐड करेंगे, साथ ही साथ काजू भी डाल देंगे। अब हम डालेंगे 1/4 टेबल स्पून इलायची पाउडर, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालिए, नहीं तो मत डालिए। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, ताकि इलायची का पाउडर दूध में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम गैस बंद कर लेते हैं और इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने देते हैं, और जब ये ठंडा हो जाएगी तो ये और गाढ़ा हो जाएगा। ये देखिए, दूध हमारा ठंडा हो चुका है, पहले से और गाढ़ा हो चुका है, ये देखिए। अब इस कुल्फी को सेट करने के लिए मैंने यहाँ पे डिस्पोजल का यूज़ किया है, डिस्पोजल ग्लास का यूज़ किया है। अगर आपके पास कुल्फी मोल्ड नहीं है, तो आप इस तरह से कुल्फी जमा सकते हैं। आप कोई भी स्टील का ग्लास या शीशे का ग्लास यूज़ कर सकते हैं। अब ये कुल्फी के मिक्सचर को भर लेंगे, इसमें सारे ग्लास में भर देंगे। ये देखिए, अब ये रेडी है फ्रीज में जाने के लिए। पहले हम सिर्फ इसे 2 घंटे के लिए फ्रीज में रखेंगे, ताकि ये सेमी सेट हो जाए। ये देखिए, मैंने 2 घंटे के बाद फ्रीज से निकाल लिया है, ये सेमी सेट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें आइसक्रीम स्टिक लगाएंगे, इस तरह से सेंटर पे लगाएंगे। अगर आपके पास आइसक्रीम स्टिक नहीं है, तो आप स्पून भी लगा सकते हैं। तो अब इसे 2 घंटे के लिए फ्रीज में रख देंगे, ताकि ये पूरी अच्छे से सेट हो जाए। 2 घंटे हो चुके हैं, आप देख सकते हैं, ये हमारी मलाई कुल्फी बिल्कुल रेडी है, अच्छे से सेट हो गई है। अब इसे निकाल कर खा सकते हैं। ये गर्मी के सीज़न में आप अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंस मुझसे शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो पे। टेक केयर, बाय बाय।